Hello everyone, it's me Ruksaar. Welcome to my channel with another video. So, आज की वीडियो मेरे टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा क्या होने वाली है. सॉरी अगर मेरी थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही हो, क्योंकि मैं जब भी सोकर उठती हूँ तो एक दो घंटे तक मेरी थोड़ी पीच, मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है. और मैं अभी थोड़ी एक घंटा पहले आई थिंक मैं सोकर उठी हूँ. व्हाट्स द टाइम? वाओ, 12 बज गए हैं और मेरी अभी मॉर्निंग हुई है. एक्चुअली जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती या फिर जिस दिन मेरा ऑफ होता है उस दिन मेरी 11, 12 बजे और एक भी बज जाता है. मेरी मॉर्निंग ऐसे ही होती है. ओके, लेट्स बैक टू द पॉइंट. तो आज की वीडियो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. इट इज़ रिलेटेड टू माई इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम सुपर एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम ऑलवेज. तो आज मेरी वीडियो क्या होने वाली है वो आपको मेरे टाइटल से ही पता चल गया होगा. बट जिन लोगों को फिर भी आइडिया नहीं हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन फॉर दोज हु रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली हियर. सो यस्टरडे आई हैव पोस्टेड फ्यू पोल्स ऑन माई इंस्टाग्राम विद द टाइटल वेयर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आर फ्रेंड्स दे विल कंट्रोल माई डे और दे विल डिसाइड लाइक यू पीपल आर इन चार्ज टू डिसाइड व्हाट आई एम गोना डू माई एंटायर डे. सो दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट चैलेंजिंग ऑल्सो. Yeah, we'll have so much fun. Stay tuned. Actually, to be honest, friends, जब मैंने रात को पोल्स डाले थे अपने इंस्टाग्राम पे, तो मैं बहुत ही 5-6 अलार्म लगा के सोई थी कि मैं बहुत जल्दी उठूंगी और सनराइज होता हुआ दिखाऊंगी, बहुत ही प्रोडक्टिव लगेगा. बट एज यूजल मैं नहीं उठ पाती. जिस दिन अगर मेरी छुट्टी होती है तो मुझे पता नहीं क्या होता है कि मुझे 11, 12, 1 बजे तक सोना ही सोना है. और जिस दिन मेरा मतलब काम होता है तो मैं बिना अलार्म के भी उठ जाती हूँ. ये मेरे साथ कुछ है प्रॉब्लम. ओके, एनीवेज, ओके, जो मैंने पोल्स डाले थे वो मैंने कल रात को 8 बजे डाले थे. और मतलब 12, 1 बजे तक मैं उठी हुई थी, तो तब तक मैं मैं कंटिन्यूसली चेक कर रही थी कि किसको कितने वोट मिले. बट फिर मैं सो गई और उसके बाद मैंने अभी बोला 1 घंटा पहले ही मैं उठी हूँ. उसके बाद जो मैंने पोल्स चेक किए हैं रात तक, जो रिजल्ट था वो बिल्कुल अपोजिट हो गया है सुबह उठ के. मतलब रात तक मैं बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी कि अच्छा ठीक है, ये मैं भी चाहती थी ऐसा वोट, इसको ज्यादा होगा, इट्स फाइन. जब मैं सुबह उठी तो बिल्कुल मेजॉरिटी चेंज हो गई पूरी. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पोल नंबर 1 क्या था. ओके, सो जो मैंने पहला पोल डाला था वो था कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, वेयर आई गेव ऑप्शंस हेल्दी और जंक. अब रात तक जब मैं ऑनलाइन थी, मैं चेक कर रही थी, तो सारे वोट जा रहे थे जंक को. And I was thinking like this option is going to win and I am sorted because I have lots of things in junk. I can just open it anything and I will start eating. मैं रात को ये सोचकर सोई थी और सुबह उठी सारा junk मेरा healthy में convert हो गया. And now I really have to think what I can have in my breakfast, something healthy. Not breakfast, better if I'll call it brunch because it's already 12 o'clock. So yeah, let's see. Okay. तो पहला जो पोल था मैं उसका रिजल्ट आपको दिखा देती हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माई इंस्टाग्राम एंड सी व्हाट इज द करंट रिजल्ट. आई होप इट इज विजिबल. सो 66% पीपल दे वॉन्ट मी टू हैव समथिंग हेल्दी एंड 34 पीपल दे वॉन्ट मी टू हैव समथिंग जंक. बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी विन. सो आई एम गोइंग टू थिंक नाउ एंड आई एम गोइंग टू हैव समथिंग healthy in my brunch. Okay, so let me see what I can find something healthy in my fridge. वैसे मुझे लग रहा है कुछ होगा नहीं, but let's try. Seriously, मुझे नहीं लग रहा कुछ मिलेगा, क्योंकि अगर option होता junk का तो मुझे बहुत कुछ मिल जाता. But let's see. Guys, I'm not able to find anything healthy. But अगर मेरे पास junk का होता तो मेरी brownies रखी थी और भी बहुत कुछ था. But I think milk है, strawberry है, फ्रूट्स हैं, ठीक है, बनाना है. यार अगर आप चूज़ कर लेते ना तो देखो, मेरे पूरा पूरा नगेट फ्रेंच फ्राइज भरा हुआ था. बट अनफॉर्चुनेट हेल्दी में सिर्फ यही चीज़ें, इससे ज़्यादा मैं फ्रिज में ढूंढ नहीं पाई और बार बार मेरा ब्राउनी पे हाथ जा रहा था. तो मेरे पास एवोकाडो है जिसका मैं सैंडविच बनाऊंगी ब्राउन ब्रेड के साथ. वैसे मैं ब्राउन ब्रेड ही खाती हूँ. आई हैव कीवी एंड देन स्ट्रॉबेरी, आई हैव बनाना. तो सो आई एम बैक विद माई प्लेट. एक्चुअली अगर मुझे रात थोड़ा बहुत भी आइडिया होता तो मैं कुछ हेल्दी बाय कर लेती, बट अनफॉर्चुनेटली सुबह तक रिजल्ट चेंज हो गया. तो जो भी मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ था मैंने उसी को सब कुछ मिक्स करके थोड़ा बहुत अपने लिए हेल्दी ब्रंच बना लिया है. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई हैव मेड.
सो या हैव अ लुक. ओके गाइस, तो ब्रेकफास्ट में कुछ ज्यादा फैंसी नहीं है. माय प्लेट इज लाइक फुल ऑफ फ्रूट्स. मुझे एवोकाडो मिला था तो आई हैव मेड एवोकाडो सैंडविच एंड देन आई हैव बनाना, फ्यू स्ट्रॉबेरीज एंड कीवी. एंड हियर इट इज माय सुपर डिलीशियस ड्रिंक. एक्चुअली ये बेरी कॉकटेल है और मैं इसको कम से कम दिन में 3-4 बार तो पी लेती हूँ. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. ओके गाइस, सो अभी हमारा हैवी अच्छा खासा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो गया है, तो नेक्स्ट पोल की तरफ बढ़ते हैं. पोल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा फनी था. लाइक टाइटल जो मैंने डाला था वो था एट होम, शुड आई गेट रेडी और शुड आई स्टे विद नो बाथ. यू कैन इमेजिन रात तक ये भी बहुत अपोजिट था. मतलब सब लोग जो वोट दे रहे थे वो दे रहे थे कि स्टे विद नो बाथ, नो बाथ डे, और सुबह तक वो चेंज हो गया. मतलब सीरियसली मुझे 43% पीपल मुझे ऐसे देखना चाहते हैं, लाइक विद नो मेकअप, ऑयली ग्रीसी हेयर और पजामे में. मेरे पापा की मैंने स्वेटशर्ट पहनी हुई है. वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद भी ऐसी रहना पसंद है. मतलब जिस दिन कोई काम नहीं होता, मुझे बाहर नहीं जाना होता, मैं इसी हालत में रहती हूँ. बट मेजॉरिटी वेन्स दे वॉन्ट टू सी मी गेट रेडी, तो अभी मुझे बात लेना पड़ेगा. फॉर्चुनेटली मैं चाहती नहीं हूँ वैसे बात लेना, मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो रही हूँ आज. यू कैन सी मेरी हालत आज गाइस. तो फिर मैं अब जल्दी से जाती हूँ बात लेने, उसके बाद मुझे गेट रेडी वीडियो भी शूट करनी है. उसके बाद दो पोल और हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो या, सी यू, बाय. ओके गाइस, तो बाथ मैंने ले लिया है. नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी क्विकली एंड रन फॉर द लंच बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट. 3 बज गए हैं और अभी मेरा लंच होगा, तो पता नहीं इवनिंग स्नैक कब होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट पोल है वो कब होगा. सो लेट्स स्टार्ट क्विकली गाइस. लेट मी टेल यू वन थिंग कि पहली बात मैंने आपको बता दिया, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ, तो मैं मेकअप व्लॉग या फिर मैं गेट रेडी कुछ ऐसी वीडियो बना नहीं रही हूँ. तो हम जल्दी जल्दी से रेडी हो जाएंगे और उसके बाद क्योंकि मुझे लंच के लिए भी जाना है और इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत जो भी करना है कर लूँगी. वैसे मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे सिर्फ लंच के लिए नीचे उतर के जाना है और नीचे भी इस लाइक मेरी बिल्डिंग के जस्ट नीचे वो डेली. क्यों बता रही हूँ मैं, तो मैंने बोलते बोलते फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया नेक्स्ट पोल का जो भी था. तो मैं ये बोल रही थी कि मेरा जो चैलेंज था वो ये था, स्टे विद नो बाथ और गेट रेडी. बट ये नहीं था कि गेट रेडी में मैं आपको एक ऐसा व्लॉग बनाकर दिखाऊं जिसमें आई विल शो यू ऑल द डिटेल्स एंड स्टेप बाय स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू. तो मैं इसीलिए जल्दी से, बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाऊंगी ताकि हम नेक्स्ट पोल की तरफ बढ़ें, क्योंकि मैं ये वीडियो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती और ये अपलोड होने में पूरा 2-3 घंटे ले लेती हैं. तो इसलिए लेट मी गेट रेडी क्विकली. ओके, सो आई एम डन विद माई फाउंडेशन. एक्चुअली कहीं आना जाना है नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपनी बिल्डिंग के थोड़ा सा नीचे जाना होगा नेक्स्ट चैलेंज के लिए, और उसके अलावा तो फिर कहीं जाना नहीं है तो क्यों इतना हाई कवरेज वाला मेकअप करना. तो नो मेकअप मेकअप लुक, लाइक एवरीडे मेकअप रूटीन वाला जो हमारा लाइट सा मेकअप होता है, नेचुरल सा, हम वैसा ही कुछ करेंगे. ठीक है, मैं वैसा ही कुछ करूँगी. ओके, तो आफ्टर फाउंडेशन एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू टेक लिटिल कॉम्पैक्ट एंड अप्लाई ऑन माई टी जोन बिकॉज आई हैव वेरी ऑयली स्किन. नॉट ऑयली, आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन बट माई टी जोन, यू नो, आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स ऑयली. तो मुझे बस अपने टी जोन को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाना होता है, लूज पाउडर जो भी मुझे मिलता है. लेकिन अभी तो हम नो मेकअप मेकअप लुक वाला सिस्टम करने वाले हैं, तो उसके लिए ये फिट मी वाला पाउडर इज बेस्ट. इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर के बाद अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक आप बेस बनाते हो और जब तक आपके लिप्स बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाते हैं और फिर जो लिपस्टिक है बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है. ओके,
आई एम डन विद माई ग्लॉस. उसके बाद मैं सबसे पहले अपना फेस कंट्रोल करूंगी. फेस कंट्रोल और ब्लश, आई शेडो मैं सब कुछ इसी चीज से लगा लूंगी. ये समर ऑफ लव पर बेक ब्रॉन्जर है, जिससे आप ब्रॉन्ज भी कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो, आई शेडो भी लगा सकते हो. मतलब ये मुझे इतना ज्यादा पसंद है और ये अनफॉर्चुनेटली टूट भी गया थोड़ा सा, इफ यू कैन सी. मतलब ये मैं आई थिंक लास्ट मंथ ही लाई थी, मेरे फर्स्ट व्लॉग में जब मैं शॉपिंग करते हुए दिखा रही थी, और ये मेरे हाथ से गिर के टूट गया. बट इट्स ओके, आई विल यूज दिस नाउ. ओके, सो आई हैव दिस ब्लैक कलर हेयर विद द ब्रश. नाउ आई एम गोइंग टू सेट माई आईब्रोज क्विकली. ओके, तो मेरी एक आईब्रो सेट हो गई है, मैं दूसरी भी जल्दी से कर लेती हूँ. सो आई एम डन विद माई आईब्रोज. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, जो मैंने अभी आपको अपना प्रोडक्ट दिखाया था, मेरा करंट फेवरेट, उससे मैं अपना फेस कंट्रोल कर लूंगी बहुत लाइट. ओके, थोड़ा सा लेके जब आप कंट्रोल करते हो तो आपको यहाँ से, जो जहाँ से भी आप लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करो, पूरा कान के यहाँ तक पूरा लेके जाना ताकि फेक ना लगे. फिर से थोड़ा सा. ओके, दैट्स इट. बहुत ही आपको देखोगे तो मेरे जितने भी ब्लश पैलेट है वो सारे ऐसे घिसे हुए हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आ गया खत्म होने की. तो मैं थोड़ा सा ये मिक्स कर लूंगी, इसमें पीच पिंक ब्राउन चारों को मैं ऐसे मिक्स कर लेती हूँ और एप्पल ऑफ योर चीक्स. अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब मैं ब्लश लगाती हूँ तो मैं जहां मैंने कंट्रोल किया उसको और ब्लश को मैं सर्कुलर मोशन में मूव करके ब्रश को मिक्स कर लेती हूँ, ताकि दूर से कोई भी लाइन ना दिखे या फिर बहुत ज्यादा हाईलाइट ना हो मेरी कंट्रोलिंग. और थोड़ा सा नोज पर, चिन, और जो मेरे ब्रश में प्रोडक्ट बच जाता है उससे मैं फोरहेड पे भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ, ताकि पूरा फेस पे एक नेचुरल पिंक सा ग्लो आए. डन. अच्छा, ब्लश पार्ट होने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आई शेडो के लिए कोई डिफरेंट पैलेट यूज नहीं करूंगी. जो मेरा ब्लश में है इसमें ब्राउन कलर भी है, बहुत ही बेज ब्राउन कलर है, बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देता है, तो मैं उसी को थोड़ा सा लेकर अपनी आंखों के ऊपर लगा लूंगी. बहुत ही लाइट, अगर आपको बहुत ही नेचुरल लुक देना है तो बहुत ही लाइट बेज ब्राउन या फिर लाइट पिंक, ऐसा कोई कलर लो और उसको अपनी जो क्रीज होती है आंखों के ऊपर इधर अच्छे से ब्लेंड करते रहो. या दैट्स इट, लगेगा ही नहीं आपने आई शेडो लगा रखा है और लुक भी काफी नेचुरल आएगा. दैट्स इट. लास्ट में मैं लिपस्टिक लगाऊंगी. लिपस्टिक में भी मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्लॉस ही रहने दूँ, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नेचुरल लुक आ रहा है और लिपस्टिक से तो फिर आई थिंक अभी लिपस्टिक ना लगाकर मैं, मेरे पास एक ग्लॉस है, ये मैंने लॉरियल से लिया था और इस ये बहुत ही नेचुरल सा कलर है, एज यू कैन सी. वेट, आई विल शो यू. ये खत्म भी हो गया ऑलमोस्ट वैसे लगा. मैं सबसे ज्यादा इसी को लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं डेली स्कूल जाती हूँ तो मैं बहुत ही लाइट सा मेकअप करके इससे भी थोड़ा कम करके जाती हूँ, तो ये ग्लॉस मैं लगा कर जाती हूँ. इससे लिप्स मॉइस्चराइज भी रहते हैं और काफी नेचुरल भी लगते हैं. या दैट्स इट.
सो आई एम डन विद माई मेकअप एंड दिस इज माई नो मेकअप मेकअप लुक. एक्चुअली जब मेरा मन नहीं होता कहीं बाहर जाने का या फिर मुझे बाहर जाना है और आई हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, देन आई गो फॉर दिस मेकअप रूटीन. इट रियली टेक मी फॉर 5 to 7 minutes. आई एम रियली यूज टू इट क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही मेकअप करती हूँ. स्पेशली फॉर गर्ल्स, इफ लाइक यू आर स्टेपिंग आउट फ्रॉम योर हाउस, यू रियली शुड लुक प्रेजेंटेबल. दिस इज माई ओपिनियन, सो यू कैन गो फॉर दिस मेकअप. ओके गाइज, जो मैंने पोल्स डाले थे इंस्टाग्राम पर उसमें से दो हमने कम्प्लीट कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू डू पोल नंबर 3. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. ओके, लेट मी ओपन माई इंस्टाग्राम. या एक्चुअली आज मेरा ऑफ है तो मुझे बाहर ही खाना खाना था, तो मैंने ऑप्शंस डाले थे कि मुझे लंच दिल्ली रेस्टोरेंट से करना चाहिए या फिर बॉम्बे, क्योंकि दोनों रेस्टोरेंट मेरे बिल्डिंग के नीचे हैं. तो मुझे एक्सपेक्ट था कि लोग बॉम्बे चूज करेंगे क्योंकि इससे पहले मैं दिल्ली रेस्टोरेंट के साथ एक ब्लॉग बना चुकी हूँ, बट दिस टाइम अगेन पीपल वोटेड टू दिल्ली फूड. सो या लेट मी शो यू द रिजल्ट ऑन माई इंस्टाग्राम. सो द रिजल्ट इज 63% people they want me to have my lunch in Delhi restaurant and 37% people they want me to try something from Bombay restaurant, but the winner is Delhi restaurant. So I'm going down for my lunch. ओके गाइज, आई एम बैक. और मैंने आपको दिखाया था कि खाना कितना फुलफिलिंग था और सुपर डिलीशियस था. मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, आई फील सो हैवी. तो हम जल्दी से पोल नंबर 4 देखते हैं क्या है, बिकॉज खाना खाते ही मुझे नशा हो जाता है और मुझे नींद आती है. आई रियली वॉन्ट टू स्लीप नाउ. ओके, तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ पोल नंबर 4 मैंने क्या डाला था. मैंने लंच के बाद डाला था, ऑफकोर्स लाइक इवनिंग में कोई भी ड्रिंक चलती है, तो मैंने ऑप्शंस ये थे कि मुझे चाय पीनी चाहिए या फिर कोई हेल्दी शेक. एंड यू पीपल रियली केयर अबाउट मी, लाइक यू नो मी हार्ट टू हार्ट, एंड द रिजल्ट इज चाय. और इतने हैवी डिलीशियस फूड के बाद चाय तो वैसे भी बनती है, तो मैं वैसे भी चाय बनाती हूँ अपने लिए. सो सी द रिजल्ट. ओके, 77% ऑफ पीपल दे वॉन्ट मी टू हैव अ चाय, और 23% पीपल दे वॉन्ट मी टू हैव अ शेक. बट थैंक गॉड टू ऑल द टी लवर्स आउट देयर हू वोटेड फॉर टी. यू गाइस रियली सेव्ड मी, बिकॉज इवनिंग के टाइम अगर मुझे चाय ना मिले तो मुझे ऐसा लगता है मुझे माइग्रेन हो गया. थैंक यू सो मच. सो नाउ आई विल गो टू द किचन एंड मेक सुपर करक टी फॉर माई सेल्फ, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द पोल नंबर 5 विच विल बी द लास्ट पोल फॉर टूडे. सो हियर इज माई गर्मा गर्म चाय, लेट मी हैव अ सिप. चाय पीने के बाद ना मेरी एनर्जी वापस से आ जाती है, लाइक दिस इज माई एनर्जी ड्रिंक गाइज. ओके, सो चाय पीते पीते मूव करते हैं पोल नंबर 5 की तरफ. मैंने क्या डाला था, ओके व्हाट शुड आई डू, मतलब मैंने ऑप्शंस दिए थे, शुड आई पोस्ट अ रील ऑन माय इंस्टाग्राम और शुड आई कम ऑन लाइव. कंपटीशन इज वेरी क्लियर, देयर इज नो कंपटीशन एक्चुअली. सब ने सेलेक्ट किया है कि मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊं, और हियर इज द रिजल्ट. Majority of people want me to come on live on my Instagram. और अब तक मैंने सारे challenges किए हैं और इसको भी मैं करूँगी. So now चाय पीते पीते ही मैं Instagram पर live आ जाऊँगी, तो एक साथ दो challenge हो जाएंगे, तो time भी बच जाएगा और video भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी. Yeah. Hello everyone. So here I am live on my Instagram. Now I have successfully completed my all the polls. Hello everyone.
ओके, तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैंने ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू सम मोर चैलेंजिंग वीडियोज़ लाइक दिस. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.